अगली खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की, जहां 5 वर्ष से फरार चल रहे एक हत्या आरोपी और 25,000 के इनामी अपराधी को तमंचा व कारतूस सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। कासगंज जनपद के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक पुलिस को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत सिरपुरा थाना पुलिस ने मुकेश को धुमरी रोड देहली खुर्द मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। मुकेश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद की। एसपी के मुताबिक मैनपुरी जिले के जमालपुर निवासी अवनेश ने सिरपुरा थाने में अभियोग दर्ज कराया था कि 7 दिसंबर 2014 को नीतू के देवर मुकेश ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल छिड़ककर हत्या कर दी। कुछ आरोपी तो जेल में हैं, लेकिन मुकेश हत्या के बाद से ही फरार चल रहा था। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। 4 साल बाद वह पकड़ में आया है। क्या मामला है पूरा? 2014 में ये इनकी एक विधवा भाभी थी, ये दो भाई मिलकर बलात्कार का प्रयास किए, न होने पर उसको आग लगा दी और उस महिला का डाइन डिक्लेरेशन हुआ था सैफ भाई अस्पताल में। उसने बताया था इस बात को कि इनकी निगाह गलत थी मेरे ऊपर, मेरे पति के मरने के बाद से तब से लगे थे, असफल रहने पर उसको आग लगा के जला दिए थे। डाइन डिक्लेरेशन इस बात को निसंदेह रूप से प्रमाण करता है कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व थे। 14 से फरार थे, इनके ऊपर जनवरी 15 को इसी 19 में इनाम किया गया था 25,000 का। आज भी गिरफ्तार किया है सिरपुरा एसओ की टीम ने, उनको मैं बधाई देता हूँ। 25,000 रुपये के इनाम की राशि से उनको नवाजा जाएगा।